डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनियाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट है, तो जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट है आप उसको भी देखिएगा, वो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और फार्मासिस्ट एग्जाम और थ्योरेटिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ रहे थे? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ऑक्सीडेशन और ग्लूकोज पढ़ लिया था। उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कौन सा? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उससे थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों तरीके के आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमारा है दैट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम? फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हम मोलिस टेस्ट की बात कर रहे हैं। मोलिस टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है और नेगेटिव आता है, तो यदि पॉजिटिव आता है तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? मोलिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मोलिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। ओके, जैसे ही मोलिस टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए। यदि नेगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब यह है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है, तो ये बाकी के टेस्ट हम नहीं करते। ओके, अब जैसे उसमें फिर दोबारा से सैंपल लेंगे और उसमें हम आयोडीन टेस्ट लगाएंगे। फ्रेंड्स, आयोडीन टेस्ट यदि पॉजिटिव आ गया तो व्हाट विल हैपन? नॉन सुगर्स होंगे, सुगर नहीं, बिना सुगर वाली बात कर रहे हैं। और यदि नेगेटिव है तो उसकी बात करेंगे हम, सुगर्स प्रेजेंट है। ओके, यदि उसमें नॉन सुगर्स क्या होती है आपको पता होगा, पॉलीसेकेराइड्स को अपन नॉन सुगर जनरली बोलते हैं। और उसमें यदि जो यहाँ पे टेस्ट आया उसमें यदि ब्लू कलर आता है तो स्टार्स उनका कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया वो। यदि रेड कलर आता है तो वो ग्लाइकोजन होगा, और यदि उसमें ब्राउन कलर आया है तो वो डेक्सट्रीन होता है। ये है किसके लिए? पॉलीसेकेराइड के टेस्ट। कौन? आयोडीन। तो पॉलीसेकेराइड्स के लिए कौन सा टेस्ट हो गया आपका? आयोडीन टेस्ट हो गया। ओके, यदि आयोडीन टेस्ट लगाने पे नेगेटिव टेस्ट आता है तो हम उस पर दूसरा टेस्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सुगर हो सकता है। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, हम टेस्ट लगाएंगे बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ में हम दूसरे टेस्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बेनेडिक्ट के साथ में आप फैलिंग टेस्ट भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे यदि पॉजिटिव टेस्ट आता है, कीप इन माइंड यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट आता है तो इसका मतलब हम रेड्यूसिंग सुगर उसमें प्रेजेंट है। रेड्यूसिंग सुगर प्रेजेंट है। यदि नेगेटिव टेस्ट आता है इसका मतलब उसमें नॉन रेड्यूसिंग सुगर प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको फिर से कंफर्मेशन भी लेंगे। यदि हम बारफोल्ड टेस्ट लगाते हैं उस पे अलग से सैंपल लेके बारफोल्ड टेस्ट लगाते हैं, यदि उसमें पॉजिटिव टेस्ट आता है तो इसका मतलब हो गया कि मोनोसेकेराइड रेड्यूसिंग सुगर है। रेड्यूसिंग सुगर भी दो तरह की होती है, मोनोसेकेराइड हो गया। क्लियर? यदि नेगेटिव है तो इसका मतलब हो गया कि उसमें डाइसेकेराइड रेड्यूसिंग सुगर है। क्लियर? ये आगे समझ में। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नॉन रेड्यूसिंग सुगर है किसकी? बारकोड में नेगेटिव आया था तो नॉन रेड्यूसिंग सुगर था। यदि हम उसपे इन्वर्जन टेस्ट लगा देंगे, इन्वर्जन टेस्ट लगाएंगे तो इसका ये और पॉजिटिव टेस्ट आता, इसका मतलब क्या हो गया? हमारे सैंपल में सुक्रोज प्रेजेंट है। मींस का मतलब इन्वर्जन टेस्ट फॉर व्हाट? सुक्रोज। ओके, दैट इज क्या है? नॉन रेड्यूसिंग सुगर। फ्रेंड्स, यहां से मैं अब अपन आगे चल रहे, इधर यहाँ पे मोनोसेकेराइड रेड्यूसिंग सुगर है, ऐसा कैसा है अपन यहाँ बात कर रहे हैं, दैट इज मोनोसेकेराइड रेड्यूसिंग सुगर आ गया। अब उनपे हम सेलिनॉफ टेस्ट लगाएंगे। सेलिनॉफ टेस्ट लगा के यदि हम फिर बात करते हैं, यदि पॉजिटिव आता है इसका मतलब कीटोहेक्सोज प्रेजेंट है। कीटोहेक्सोज का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। यदि टेस्ट सेलिनॉफ टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है? फ्रक्टोज प्रेजेंट है। और यदि नेगेटिव आया इसका मतलब हमारे पास जो सैंपल है उसमें एल्डोहेक्सोज है, मींस ग्लूकोज प्रेजेंट है।
क्लियर है। इसके अलावा हम एक ओसाजोन टेस्ट और लगाते हैं फ्रेंड्स। ओसाजोन टेस्ट क्या है, किसके लिए है, रेड्यूसिंग सुगर्स के लिए। देखना वापस से, रेड्यूसिंग सुगर कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। इसका मतलब डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड दोनों के लिए लगेगा। यदि देखिएगा, मैंने चार एग्जांपल बता रहा हूं मैं यहाँ पे। एक तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। फ्रेंड्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये वाले हैं, दैट इज मोनोसेकेराइड। तो यदि हमारे ओसाजोन टेस्ट में नीडल शेप क्रिस्टल्स आते हैं तो हमारे ग्लूकोज होगा, और यदि सनफ्लावर टेस्ट क्रिस्टल्स आते हैं, सनफ्लावर क्रिस्टल्स आते हैं तो क्या होगा, वो माल्टोज होगा। और यदि उसमें पफ शेप क्रिस्टल्स आते हैं, पफ शेप क्रिस्टल आते हैं तो क्या होगा, वो हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ओसाजोन टेस्ट इज फॉर व्हाट, बोथ मोनोसेक्रेड एज वेल एज डाइसेक्रेड। मींस यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं, रेड्यूसिंग सुगर्स की बात कर रहे हैं। ये है फ्रेंड्स पूरा का पूरा ओवरव्यू किसके टेस्ट के लिए, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। इसमें कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉलिस टेस्ट किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। आयोडीन टेस्ट किसके लिए, पॉलीसेक्रेड्स के लिए। बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए, रेड्यूसिंग सुगर्स के लिए। और बारफोइड टेस्ट किसके लिए, मोनोसेकेराइड्स के लिए। इन्वर्जन टेस्ट किसके लिए, सुक्रोज के लिए या नॉन रेड्यूसिंग सुगर के लिए। सेलिनोप टेस्ट किसके लिए है, कीटो हेक्सोज या फ्रक्टोज के लिए। और ओसाजोन टेस्ट किसके लिए, रेड्यूसिंग सुगर के लिए। यदि निडल से क्रिस्टल आते हैं तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो सकता है। माल्ट यदि सनफ्लावर होगा तो माल्टोज होगा, पफ सेफ होगा तो लैक्टोज होगा। ये है फ्रेंड सारा का सारा। इन सभी टेस्ट के प्रिंसिपल क्या होते हैं और कैसे करते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपने पूरा वीडियो देखा, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो इमीडिएटली आपको अलर्ट मिल सके। थैंक यू।